गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3 पार्टनरशिप अकाउंट्स। और उसमें जो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे पहला टॉपिक नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये शुरू करने से पहले आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद फिर आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा, आपने जॉइंट वेंचर पढ़ा होगा, आपने कंपनीज पढ़ी होंगी। यहाँ पर जब हम शुरुआत करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन होता है, सारा प्रॉफिट लॉस उसी का होता है, रिस्क सारा वही लेता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं? जो भी आपका पूरा रिस्क है वो एक ही पर्सन ले रहा है, कैपिटल जो लेके आएगा वो एक ही पर्सन लेके आएगा। आपको अगर एक्सपैंड करना है तो एक्सपेंशन लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन है तो वो कहाँ कहाँ पर ध्यान देगा। तो उस सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आता है दैट इज़ योर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हो तो उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को जो हम बोलते हैं दैट इज़ फॉर्म। तो पार्टनरशिप की नीड अराइज होती है जो लिमिटेशंस हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, जो सोल ट्रेड आप कर रहे हो उसकी लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए। सोल ट्रेड में लिमिटेशंस लेस कैपिटल, लेस मैनेजरियल स्किल, रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा है, लेस कैपेबिलिटी टू रन द बिजनेस बाय द सोल ट्रेडर। जैसे जैसे जो साइज़ है सोल ट्रेड का इंक्रीज होता है, आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए होती है, ज़्यादा मैनेजरियल स्किल चाहिए होता है, रिस्क आपको फ्लैटर्ड करना होता है, ज़्यादा कैपेबिलिटी चाहिए होती है बिजनेस को रन करने के लिए। और ये सब जो चीज़ें हैं आप ले सकते हैं बाय डूइंग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब एटलीस्ट 2 पर्सन और 2 से ज़्यादा पर्सन्स हो सकते हैं, लेकिन कितने हो सकते हैं उसके लिए जो लिमिटेशंस हैं वो आप आगे पढ़ेंगे। तो ये पार्टनरशिप जो है सोल जो आपका ट्रेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, उसके लिमिटेशंस से अराइज होता है नीड पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एसोसिएशन है बिटवीन 2 or more person जो एग्री करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए और शेयर करने के लिए प्रॉफिट और लॉसेस जो भी अराइज होंगे उस बिजनेस से। और जो पर्सन्स उस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हैं उन्हें पार्टनर कहा जाएगा, और कलेक्टिवली जो उन्होंने एसोसिएशन वो जो बनाई है उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। और पार्टनरशिप फॉर्म को रेगुलेट करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो एप्लीकेबल होता है ऑन पार्टनरशिप फॉर्म्स इन इंडिया। डेफिनेशन क्या है एक्ट के अकॉर्डिंग? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो सेक्शन 4 जो है पार्टनरशिप का, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसका सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को रिलेशन बिटवीन पर्सन्स जो एग्री कर रहे हैं कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स बिजनेस के, जो कैरी ऑन कर रहे हैं बिजनेस या तो सभी या उन सब के बिहाफ पे कोई एक पर्सन, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। और वही पार्टनरशिप की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसकी ये जो डेफिनेशन दी गई है इसी के अकॉर्डिंग इसके करेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं, डेफिनेशन से ही करेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। सबसे पहला है 2 or more person, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कितने हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 20 हो सकते हैं अगर फर्म कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। लेकिन अगर वो बैंकिंग बिजनेस कर रही है तो जो मैक्सिमम नंबर है वो 10 है।
देन नेक्स्ट इज एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर. ये मस्ट है, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. और ये जो एग्रीमेंट है इसमें सारी डिटेल्स होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर्स ने डिसाइड की है. ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट इंडियन इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ये रिटन में होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज योर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है जब आप पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लाते हो, दैट इज कि जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें जो प्रॉफिट अर्न करोगे आप उसका क्या करोगे, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे. अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो बिना प्रॉफिट और लॉस को शेयर किए तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहेंगे. अगर आप एक पार्टनर को राइट नहीं दे रहे हो प्रॉफिट शेयर करने का तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा. तो जो शेयरिंग है प्रॉफिट और लॉस की बिटवीन द पार्टनर वो होनी चाहिए और म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं वो सभी पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होंगे. देन नेक्स्ट इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस. ये कंपल्सरी है पार्टनरशिप फर्म के लिए कि उसका बिजनेस जो है वो लॉफुल होना चाहिए, जो पर्पस है बिजनेस का वो टू अर्न प्रॉफिट होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. जो बिजनेस को मैनेज करेगा वो कौन हो सकता है, वो या तो सभी पार्टनर्स इकट्ठे मिलकर मैनेज कर सकते हैं या फिर कोई भी एक जो सब पार्टनर्स के बिहाफ पर एक्ट करेगा. और जो पार्टनर मैनेज करता है फर्म को वो पार्टनर लीगल फॉर्म में होना चाहिए. देन एक्ट जो प्रोविजन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के वो एप्लीकेबल होते हैं पार्टनरशिप फर्म पर. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी आपने एग्रीमेंट किया है रिगार्डिंग पार्टनरशिप उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं. एक डॉक्यूमेंट जो कंटेन करता है टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट की कि कैसे आप ऑपरेट करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस को, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं. लॉ कंपल्सरी इस चीज़ को नहीं करता कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो राइटिंग में होनी चाहिए, लेकिन फर्दर फ्यूचर में जाके कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो इसके लिए ये चीज़ बेस्ट मानी जाती है कि हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस राइटिंग में हो. जो कुछ पर्संस हैं वो पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं. देन इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के? Name and address of the firm, name and address of the partners, nature of partnership business, partners' contribution in capital, profit sharing ratio, amount of drawings, interest on capital, interest of drawings, then right of partners, remuneration of partners, duration of partnership firms, rules applicable in case of admission and retirement of a partner, loans from partners, account, books of firm, audit of accounts, valuation of goodwill, settlement of disputes. ये कुछ topics हैं, कुछ issues हैं, कुछ terms and conditions हैं जिनके regarding जो क्या चीज़ follow होगी क्या चीज़ follow नहीं होगी partnership में firm में, वो चीज़ें partnership deed में detail में लिखी जाती हैं. और अगर कोई चीज़ यहाँ पर missing है तो उस केस में जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें जो चीज़ मेंशन है उस टर्म एंड कंडीशन के रिगार्डिंग उसे आपको फॉलो करना होता है. देन नेक्स्ट इज रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. कि अगर जो आपकी पार्टनरशिप डीड है वो नहीं है तो उस केस में क्या रूल अप्लाई होंगे. जो म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं पार्टनर्स के बीच में वो डिफाइन होते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, लेकिन अगर कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के वो एप्लीकेबल होंगे. और कुछ प्रोविजंस जो हैं जो अकाउंटिंग प्रोसीजर के लिए ज़रूरी है वो यहाँ मेंशन किए गए हैं. सबसे पहला है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस.
इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है रिगार्डिंग डिविजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस बिटवीन पार्टनर्स, तो जो फर्म के प्रॉफिट और लॉसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होंगे अमंग ऑल द पार्टनर्स। द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अगर एक पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को इन एडिशन टू कैपिटल, तो उसे उस लोन की अमाउंट पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा, अगर कुछ भी उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं हुआ है। और ये जो इंटरेस्ट है तब भी मिलेगा अगर फर्म को लॉस हुआ है। अगर फर्म लॉस इंकर कर रही है तब भी जो इंटरेस्ट है पार्टनर के लोन पे वो पे करना ही करना है फर्म को। देन नेक्स्ट इज रेमुनरेशन टू पार्टनर। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कोई भी पार्टनर जो है वो इंटाइटल्ड नहीं है किसी भी तरीके की सैलरी, बोनस, कमीशन या अदर रेमुनरेशन के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा पार्टनर को अगर जो ये चीज़ लिखी है पार्टनर ने अंडर द एग्रीमेंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो सिर्फ तब दिया जाएगा अगर फर्म को प्रॉफिट होगा। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से। हर एक पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कोई भी नए पार्टनर को आप एडमिट नहीं कर सकते पार्टनरशिप फर्म में बिना बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट लिए हुए। तो ये था हमारा रूल्स जो एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देन नेक्स्ट इज मैटर्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप अकाउंट। एक बिजनेस जब ऑपरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म, तो नॉर्मली जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बनाने के लिए वो डबल एंट्री सिस्टम होता है। पार्टनरशिप के केस में भी डबल एंट्री सिस्टम ही यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप फॉर्म है वहाँ डिफरेंस कहाँ पर आता है जब हम अकाउंट्स करते हैं, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उस केस में आप जो भी अपना P&L अकाउंट बना रहे हैं या जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वहाँ पर एक सिंगल पर्सन है और उसी का सारा प्रॉफिट है और उसी की सारी जो एसेट लाइबिलिटीज हैं। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप वो जो प्रॉफिट है वो किसी सिंगल पर्सन का नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट होना है और जो पार्टनर्स हैं उन्हें कुछ और भी मिलना है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट हो गया, ड्राइंग पर इंटरेस्ट हो गया अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा है तो, उनके आपने सैलरी देनी है या कमीशन देनी है या कोई बोनस मिलना है, वो चीज़ें भी हो गई, तो वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरा, हर एक पार्टनर का बिजनेस में कितना उसका बेनिफिट है, बेनिफिट इन द सेंस कि बिजनेस को वो कितना ओ करता है या बिजनेस उसे कितना ओ करता है, मतलब जो फर्म है उसमें पार्टनर का क्या इंटरेस्ट है, कितना मॉनेटरी फर्म में इंटरेस्ट है और जो फर्म है उसकी जो है टूवर्ड्स द पार्टनर क्या आप कहिए कि क्या उसने उसे ओ करता है या क्या उसको ओड है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो उसके लिए भी कैपिटल अकाउंट्स आपको पार्टनर्स के बनाने पड़ते हैं। देन ड्रॉइंग्स अकाउंट, अगर पार्टनर ने बिजनेस में से कुछ निकाला है तो उन सब का आपको अलग अलग से हिसाब रखना पड़ता है, उसके लिए अकाउंट्स आपके अलग से प्रिपेयर होते हैं। तो कुछ मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड प्रिपेयरिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाते हैं जब हम अकाउंट्स बनाते हैं जो प्रेजेंट नहीं होते हैं सोल ट्रेड में। तो नेसेसरी है नॉलेज होना इन मैटर्स की जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजेक्शन को इन पार्टनरशिप बिजनेस। तो तीन बेसिकली चीज़ें आती हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, कैपिटल अकाउंट्स एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।